हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक नई क्लास में। इसमें हम आपसे जो है धारा 25 और धारा आगे की बात करेंगे। इसका जो धारा 25 आपका क्या कहता है कि धारा 25 आपका कहता है कि आपके जो है सशर्त अंतरण क्या होता है, कंडीशनल आपके जो है ट्रांसफ़र क्या होता है। कोई भी कंडीशन लगाकर अगर जो आपको कोई भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करवाता है तो उसमें क्या क्या होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कंडीशन लिख के आपको प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करवाया जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं आपका संपत्ति अंतरण से जो श्रेष्ठ और किसी शर्त पर निर्भर हित जो है निष्फल हो जाता है यदि उस शर्त के पूर्व पूर्ति जो है संभव ना हो, ठीक है। अगर जो किसी भी चीज़ की पूर्ति संभव नहीं होती है तो आप जो है निर्भर जो है हित निष्फल हो जाता है या फिर विधि द्वारा निषिद्ध हो ऐसी प्रकृति की हो, ठीक है। यदि वह जो है अनुज्ञात की जो है जाए और वह किसी विधि के उपबंधों को विफल कर देगी तो कपटपूर्ण हो या ऐसी किसी भी जो है जिसमें दूसरे के शरीर या संपत्ति की क्षति अंतर्वलित या फिर अंतर्हित हो या जिसे कोर्ट अनैतिक या फिर लोक नीति के विरुद्ध समझता हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि जो चीज़ें होती, मान लो कोर्ट ने उसको जो है निषिद्ध कर रखे रखा या फिर वो किसी जो चीज़ को जो मतलब किसी की प्राइवेट हो या फिर जो किसी की संपत्ति हो या फिर किसी का शरीर हो तो उसके जो क्षति को अगर जो उसमें अंतर्हित करता है तो वो चीज़ जो है आपकी जो है उसका हित जो है निष्फल हो जाता है, ठीक है। उसका जो है संपत्ति अंतर से श्रेष्ठ किसी भी शर्त पर जो है उसका हित जो है निष्फल हो जाता है। तो यहाँ पर दृष्टांत में आपका क्या रखा गया, इसमें कुछ चीज़ें बताएगी। जैसे खाको का कोई खेत जो है पट्टे पर इस शर्त पर देता है कि वह जो है 1 घंटे में 100 मील पैदल चले, तो यहाँ पे पट्टा आपका शून्य हो जाएगा। अगला आपका पॉइंट, का अपनी भतीजी गा को 500 रुपये इस शर्त पर देता है कि वह अपने पति की अभित्याग कर दे, तो वहाँ पे भी अंतरण शून्य हो जाएगा। मतलब ऐसा अंतरण नहीं हो सकता जो किसी का नुकसान हो या फिर निषिद्ध हो या फिर चीज़ें वहाँ पे बताई गई, ऐसा अंतरण होना आपका जो है निष्फल होता है। या फिर आपका जैसे खा को का ने 500 रुपये दिए इस शर्त पे कि अंतरित करता है कि वह गा की हत्या कर दे, तब भी आपका अंतरण यहाँ पे शून्य हो जाएगा। और इसमें आपके शर्त की जो है 3 प्रकार की शर्तें होती हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे। पूर्ववर्ती शर्त या फिर पुरोभा शर्त कहते हैं, इसमें जो है धारा 25 और 26 में पढ़ेंगे। आपकी पश्चावर्ती या फिर उत्तरभावी शर्त कहते हैं, इसको हम जो है धारा 30 आपकी 31, 29, 32 में पढ़ेंगे। और यहाँ पे सापरिक जो है या फिर सहवर्ती शर्तें होती हैं, ठीक है। तो इसमें को हम जो है धारा 27 और 28 में यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें हम शर्तें हम पढ़ेंगे और भी ये जो सब धाराएं हैं इनको हम सब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अगले पॉइंट पे। प्रोभ भी शर्तें आपकी क्या होती हैं, ठीक है। प्रोभ भावी आपकी शर्तें क्या होगी, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि आपका बताएगा कि जहाँ संपत्ति अंतरण के निबंधन कोई ऐसी शर्त अधिरोपित करते हैं जो इससे पहले कि कोई व्यक्ति उस संपत्ति में दिए प्राप्त कर सकता है, ठीक है, कर सके, मतलब जो उसका हित हो या प्राप्त कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पे गलत टाइप हो गया, यहाँ पे हित प्राप्त कर सके पूरी की जानी हो और वहाँ यदि शर्त जो है सरता अनुपालन कर दिया गया हो तो यहाँ पर समझा जाएगा कि उसकी जो है पूर्ति कर दी गई, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जो है वहाँ पे कंडीशन लगा के जो है शर्त पूरी की जाती है, ठीक है। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे पूर्ववर्ती या पूर्वभावी शर्त आपकी क्या होती है, इसको धारा 25 और 26 में पढ़ेंगे। आपको बताया भी यहीं से आपका एक MCQ क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे देखते हैं कि वे शर्तें होती हैं जो संपत्ति में हित अर्जन के पूर्व जिनका पूरा किया जाना आवश्यक होता है, ठीक है। इनका विवरण हम धारा 25 और 26 में पढ़ते हैं। धारा 25 में ऐसी शर्तें के लक्षण और अन्य बातें बताई गई हैं जिन्हें पूरा करने में ध्यान देना होगा, ठीक है। जिसको शर्तें पूरी करते हैं, ठीक है, तो उसके लक्षण और अन्य बातों को बताया गया है, जब उसको पूरा करते हैं तब उसको ध्यान में देना होता है, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया कि ऐसी जो स्थितियाँ होती परिस्थितियाँ होती वो 8 टाइप की होती जिनमें में से जो है एक भी अंतरण जो आपका शून्य है, ठीक है, किसी एक के भी जो है होने पर अंतरण आपका शून्य हो जाता है। 8 आपकी ऐसी परिस्थितियां होती हैं, अगर जो ऐसी परिस्थितियों में से कोई भी एक परिस्थिति हो जाएगी तो आपका अंतरण शून्य हो जाएगा। इनमें से कोई भी जो है स्थिति या फिर शर्त को पूरा करना जरूरी नहीं होता है, अगर जो आप उस शर्त को पूरा नहीं करती तो वहाँ पे अंतरण आपका शून्य हो जाता है। जैसे आपने जो है आ ने अपनी 2 एकड़ जमीन
बा को इस शर्त पे अंतरित करता है कि वह बा उसके यहाँ खेत में काम करे। यहाँ बा को आ की 2 एकड़ जमीन प्राप्त करने के लिए आ के खेतों में काम करने की शर्त पूरा करना होगा, ठीक है, जो कि पूर्ववर्ती शर्त है। जिससे पहले ही शर्त रख दिया गया कि आपको ये करना है, ठीक है, तब आपको ये चीज़ें मिलेंगी, तो उसको आप क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती शर्त कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, मान लीजिए शर्त को पूरा नहीं करता है तो वहाँ पे अंतरण आपका शून्य हो जाता है। अगर आपका पॉइंट, पूर्ववर्ती शर्तें जो होती हैं उनकी आपकी विशेषता क्या होती है, इसमें जो है देखते हैं कि ऐसी शर्तें अंतरण के पूर्ववर्ती होती हैं, मतलब पहले ही बता दी जाती हैं कि आपको ये चीज़ करना होगा, और हित बिना उसकी पूर्ति के अंतरिति में निहित नहीं होता है, ठीक है। अगला यहाँ पे, पूर्ववर्ती हित के अवैध या शून्य जो हो जाने की स्थिति में संपूर्ण अंतरण ही शून्य हो जाता है। अगला यहाँ पे, जो यहाँ पे आपकी विशेषता होती है, 8 स्थितियाँ जो आपको बताई गई हैं धारा 25 में है, वे स्वयं शून्य हैं और अपने पर आधारित अंतरण को भी शून्य कर देंगी। और यहाँ पे चौथा पॉइंट आपका, पूर्ववर्ती शर्त के वैध होने की स्थिति में उनकी सहायता पूर्ति प्राप्त मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको जो है विशेषताएं यहाँ पे बताई गई। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे, यहाँ पर जो है पूर्ववर्ती शर्तों में जो है कुछ चीजें और बताई गई, जैसे पूर्व जो शर्तें आपकी पूरी करो हित लो, मतलब कोई भी चीजें हैं अगर जो आपको जो है यहाँ पे शर्त आप जो है पूरी कर देते हैं, ठीक है, तो अपना यहाँ पे हित प्राप्त कर सकते हैं। पहले आप शर्त पूरी करो फिर हित लो, नहीं पूरी किया तो हित भूल जाओ, ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई। आपको आपने शर्त लगाया तो उसको पूरा करो, अपना हित ले लो, ठीक है। अगर जो उसको पूरा नहीं कर पा रहे हो तो अपना आपका हित जो है यहाँ पे भूल जाओ, ठीक है, तो आपको हित भी नहीं मिलेगा, और तब तक जो है उसकी ज़रूरत ही नहीं है जब तक तो उसे पूरा ना करना मतलब असंभव हो। अगर जो आपको जो कोई चीज़ है करना है और उसको करना असंभव है तब वह जरूरी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे चीजें यहाँ पे बताई गई, शर्त की पूर्ति असंभव नहीं होनी चाहिए तो, ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पे, पूर्ववर्ती शर्त विधि द्वारा निषिद्ध नहीं होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे जो शर्त लगाई गई हो वह जो कोर्ट या फिर जो है जो आपका कानून है उसमें जो है निषिद्ध ना किया गया हो और आपकी जो शर्त हो वो असंभव ना हो। ऐसा ना हो कि जैसे आपने शर्त लगा लिया कि हमको सूरज जो है सूरज को तोड़ के लेके आना है, सूरज को वहाँ से लेके आना, या फिर आपने जो है अपनी जो है गर्लफ्रेंड से शर्त लगा लिया, अपनी जो है बॉयफ्रेंड से शर्त लगा लिया कि हम आपके लिए चांद लेके आएंगे, पता लगे चांद लगाने का शर्त आपने लगा लिया ना, फिर बोलो कि हमारा हित चाहिए, ठीक है, तो आप वो शर्त पूरी भी नहीं कर सकते, ठीक है, और आपका हित भी नहीं होगा, ठीक, क्योंकि ये शर्त असंभव है। तो ऐसी ही शर्त लगाना जो पूरी हो जाए, ठीक है, वरना जो है आपका हित मिलेगा नहीं। और यहाँ दूसरा पॉइंट यहाँ पे, यदि अंतरण की स्थिति ऐसी शर्त पर आश्रित हो जिसे कानून द्वारा रोका गया हो तो शर्त अवैध होगी, ठीक है, और अंतरण भी शून्य होगा, ठीक है। यहाँ पे उदाहरण के लिए आपको देखिए, का ने खा को अपनी भूमि का अंतरण इस शर्त पर दिया कि वह का के ज्येष्ठ पुत्र को गोद ले ले या अपने पति को तलाक दे, डकैती में काका साथ दे, और फिर अपने जो है मतलब यहाँ पे जो इतनी भी चीज़ें बताई गई सब जो है आपकी जो है जो कानून मना करता है, कानून यहाँ पे रोकता है, ठीक है, तो उसकी जो है विपरीत यहाँ पे बताई गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अवैध जो है अंतरण शून्य हो जाएगा, अंतरण आपका शून्य हो जाएगा। अगला आपका पॉइंट, पूर्ववर्ती शर्तें आपकी क्या होंगी, ठीक है, तो यहीं पे शर्तों में कुछ पॉइंट आपके और बचे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे शर्तें पूरी करो हित लो, ये आपको बताया अभी हमने, ठीक है। शर्त को प्रभाव कानून के जो है किसी उपबंध को विफल करने का ना हो, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं शर्त आप ऐसे नहीं लगा सकते कि जैसे वह जो कोई भी शर्त लगाए और उसमें जो शर्त यह लगी है कि आपको कानून को निष्फल करना है। जैसे आपने शर्त लगा लिया कि जैसे किसी शर्त लगा लिया कि आपको ये काम करना है, जैसे आपको लॉ जो है ला को जो है समाप्त करना है, या फिर आपने शर्त लगा लिया कि ला को तोड़ना है, तो वो शर्तें आपकी माननी नहीं जाएंगी, वैध नहीं शर्त होंगी, ठीक है, तो ये ऐसा आप शर्त नहीं लगा सकते, ठीक है। यहाँ पे उदाहरण के लिए, अब आर ने जो है बा को 1000 रुपये दिए, इस पूर्ववर्ती शर्त पर देता है कि बा रुपये पाने के बाद विवाह नहीं करेगा या व्यापार नहीं करेगा, या फिर जो है दस्तकृति जो है या हजाने का मुकदमा नहीं चलाएगा,
या किसी अपनी संपत्ति का अंतरण नहीं करेगा या अपने बाल बच्चों को पालन पोषण नहीं करेगा, ये सब चीज़ें वहाँ पे मान लो बताई गई। यदि शर्त विवाह, व्यापार या फिर दुष्कृति या संपत्ति या हिंदू विधि के किसी ना किसी सामान्य सिद्धांत को जो है निरर्थक बनाने का प्रभाव रखता है, तो वहाँ पे जो है आपका प्रभावपूर्ण वैध नहीं होगा। मतलब प्रभावपूर्ण आपका जो या फिर जो वैध है वहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ऐसी चीज़ की शर्त नहीं लगा सकते जिसको जो है कानून कहता है कि आप ये कर सकते हैं, लेकिन आप जो है कानून वो कहता है कि आप इसको करिए, लेकिन आप जो है शर्त में कह रहे हैं कि वो चीज़ें हम नहीं करेंगे, तो वो चीज़ की जो है आप शर्त नहीं लगा सकते। अगला आपको यहाँ पे पॉइंट, शर्त की जो है प्रकृति कपट पूर्ण ना हो, ठीक है, आपका फ्रॉडेंट ना हो, ठीक है, आप जो है फ्रॉड ना करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यदि शर्त किसी के साथ छल, कपट, धोखा या फिर जो है अन्य संव्यवहारों को बढ़ावा देती है, तो उनकी पूर्ति उद्दिष्ट हो, शर्त जो है वैध नहीं होगी और ऐसी शर्त पर आधारित जो है आपका अंतरण भी शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आप कपटपूर्ण जो है किसी के साथ व्यवहार नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने शर्त लगाया आपके साथ कपटपूर्ण व्यवहार करना है किसी के साथ, तो आप वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे। अगला यहाँ पे पॉइंट कि पूर्ववर्ती शर्त जो होगा वह जो है किसी के शरीर या संपत्ति की क्षति नहीं कर सकता, ठीक है। अगर जो किसी के शरीर या फिर जो है क्षति, मान लीजिए आपने किसी से शर्त लगाया, जैसे इन्होंने शर्त लगाया किससे, इससे, ठीक है, और बोला कि ये जो है ये मतलब ए है, ये बी है, ये सी है, ए ने बी से शर्त लगाया, क्या ए ने बी से शर्त लगाया और बोला कि आप जो सी पे जो है एसिड डाल दो, एसिड डाल दो, या फिर जो है आपका जो है कोल्ड वाटर डाल दो, या फिर जो है आपका यहाँ पे जो है हॉट वाटर डाल दो, मतलब कुछ ऐसा डाल दो जो इसके जो है बॉडी पे नुकसान करे। तो यहाँ पे जो ऐसी शर्त जो है पहली बार लगाना नहीं चाहिए, दूसरी बात अगर जो आप लगाएं तो वो शर्त वैध नहीं होगी, ठीक है, वो आपकी शून्य ही होगी। और तीसरा आपका यहाँ पे पॉइंट है, शर्त लोकनीति के विरुद्ध ना हो और ना ही अनैतिक होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि यदि किसी न्यायालय द्वारा पूर्ववर्ती शर्त के लोकनीति के विरुद्ध घोषित हो जाने की संभावना है, तो शर्त अनैतिक और अंतरण आपका अमान्य हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें बताई गई। अगला आपका पॉइंट, यहाँ पर जो हम देखते हैं कि सारता अनुपालन आपका किसे कहते हैं, धारा 26 में देखते हैं सारता अनुपालन किसे कहते हैं। यदि किसी पूर्वगामी शर्त के अधिकतम संभव स्थिति जो है तक पूरी कर लिया जाए तो पूर्ण अनुपालन मान लिया जाएगा, ठीक है। पूर्वगामी शर्त का जो है अक्षर आपका जो है पूरा करना आवश्यक नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पे जो है मापदंड में आपका क्या होगा कि क्या अंतर्वर्ती ने शर्त का अनुपालन करने का प्रत्येक संभव प्रयास किया है, और दूसरा आपका मापदंड क्या हो जाएगा कि क्या शर्त के अनुपालन के लिए किए गए अर्थात प्रयास संपूर्ण शर्त में अंतरणकर्ता के निहित आशय का यथाशक्ति पूर्ण पूर्ति कर सकते हैं या फिर नहीं। ये दोनों यहाँ पे मापदंड से अपना जो है शर्त को चेकिंग होगी, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ों से चेक होगा। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे ये आपका जो है इतना, यहाँ पे ये पॉइंट आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला पॉइंट यहाँ पे धारा 27 आपकी बताई गई, धारा 27 क्या कहता है आपका कि यदि जो है व्यक्ति को सशर्त अंतरण ऐसे अंतरण के साथ तो जो है पूर्व व्यन के निष्फल होने पर दूसरे व्यक्ति के पक्ष में हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें बताइए, जैसे आप देखिए आपका जो है त्वरित तप्ति का जो सिद्धांत होता है उसमें क्या बताया गया, ठीक है, यहाँ पर किसी अंतरण विलेख द्वारा कोई संपत्ति आपको जीवन भर के लिए शर्त के लिए अंतरित की गई है, तो वह जो है आ 2011 की जो है कानूनी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देके बताया गया, ठीक है, ये आपका इतना ज़्यादा एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो ये फिर भी जो है आप देख लीजिए। अगला यहाँ पे पॉइंट है आपका सिद्धांत के तत्व, सिद्धांत के तत्व क्या होंगे, ठीक है, तो सिद्धांत के तत्व क्या होंगे, तो उसके पहले जो है आप देखिए कि परतर जो है आपका अंतरण क्या होता है, यो ठीक है, परतर अंतरण आपका क्या होता है। तो यहाँ पे परतर अंतरण में जो उसे कहते हैं जब एक अंतरण के बाद उसी हित को उसी अंतरणकर्ता से दूसरे अंतरती को दिया जाए, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जब एक अंतरण के बाद ये हुआ ए बी, एक अंतरण के बाद
एक अंतरण के बाद उसी हित को अंतरणकर्ता से दूसरे अंतरिती को दिया जाए, ठीक है, दूसरे अंतरणकर्ता को दिया जाए, तो दोनों अंतरण एक ही समय एक ही दस्तावेज द्वारा एक साथ किए जाएं, ठीक है। बाद में लागू होने पर वाला प्रत्येक अंतरण परतर अंतरण कहा जाएगा, ठीक है, ये चीजें हो जाएंगी। अगला आपका यहाँ पे त्वरितापति सिद्धांत जो है उस परिस्थितियों में लागू होगा जब किसी संपत्ति का अंतरण आपका सर्वप्रथम आ को किया जाए और आ के बाद किसी को बा को किया जाए, ठीक है, तो वहां पे लागू होगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे ए ने जो है 10 रुपये यहाँ पे मिला हित में, ठीक है, ए ने जो है बी को अंतरण किया पहले तो यहाँ पे 10 रुपये मिला, और बी ने यहाँ पे सी को अंतरण किया तब भी आपको 10 रुपये मिला, तो ये वही चीजें यहाँ पे बताई गई। अगला यहाँ पे पॉइंट आपका कि सिद्धांत के जो है तत्व में आप देखेंगे कि आगे क्या होगा, परतर अंतरण उसी संभाव में होना चाहिए, ठीक है, समव्यवहार में होना चाहिए। तो पृथक पृथक अंतरण यदि स्वतंत्र जो है समव्यवहार आपका जो होंगे तो उनमें जो है धारा 27 लागू नहीं होगी, ठीक है। और अगला आपका तत्व यहाँ पे पूर्व अंतरण वैध नहीं होगा, मतलब यदि पूर्व हित जो है शून्य हो या फिर पश्चावर्ती अंतरण भी शून्य हो जाएगा तो वहाँ पे त्वरितापत्ति का सिद्धांत लागू तभी होगा जबकि पूर्व हित का अंतरण वहाँ पे वैध हो, ठीक है। पूर्व हित मान लिया आपका विफल हो गया तो वहाँ पे क्या होता है कि त्वरितापत्ति जो है अर्थात शीघ्र प्राप्ति, मतलब त्वरितापत्ति क्या होता है आपका शीघ्र प्राप्ति तभी संभव होगा जब पूर्व हित पूरी अवधि तक ना उपभोग किया जाए। यदि पूर्व हित पूरे चक्र समय तक जो है चले तो धारा 27 लागू होने का प्रश्न ही नहीं उठता, ठीक है। और पूर्व अंतरण क्यों विफल हुआ तो यह क्या जो है विफल हुआ जैसे कि अंतरणकर्ता ने सोचा था कि जैसे नहीं हुआ इत्यादि, ये सब चीजें यहाँ पे जो कंडीशन होती है ऐसा अगर जो सोचता है तो यहाँ पे क्या होगा इत्यादि धारा 27 जो है के मामले में नहीं उठेंगे, ठीक है। पूर्व हित का अंतरण जो है मात्र आवश्यक है, विफलता का ढंग आपका महत्वपूर्ण नहीं है, अतएव विफलता किसी ढंग से भी संभव है जिसे पक्षों के करार ना किया जाए, ठीक है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट आपका नहीं है, ठीक है। अगला आपका यहाँ पे पॉइंट आपका परतर हित का तुरंत प्रभाव में आना, ठीक है, परतर हित का तुरंत प्रभाव में आना, तो ये आपका यहाँ पे पॉइंट है। इसमें बोला गया कि यदि उपयुक्त शर्त पूर्व हो तो पूर्व हित जो है विफल हो जाने के पर आपका परंतर हित जो है तुरंत प्रभाव में आ जाएगा। आ ने बा को 500 रुपये इस शर्त पर अंतरण किया कि बा जो है मृत्यु के 3 महीने के बाद ही निर्दिष्ट पट्टा कर देगा, यदि पट्टा ना किया गया तो 500 रुपये सा को मिलेंगे और आ की जिंदगी में ही मर जाता है, ठीक है। तो सा में किया गया अंतरण तुरंत परिवर्तनीय हो जाएगा यद्यपि वह बा जो है निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने का मौका ही ना मिल सका हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें बताएंगी। अगला यहाँ पे आपका तत्व है पूर्व हित धारा 13 और 14 शून्य होने पर त्वरितापत्ति आपकी नहीं होगी, त्वरितापत्ति आपकी शीघ्र आपका नहीं होगा, ठीक है। त्वरितापत्ति प्राप्त तो तभी होगी जब आपका जो है हित सृजन आपका वैध होना चाहिए और अन्यथा धारा 13 और 14 आपकी शून्य हो तो परतर अंतरण धारा 16 में शून्य हो जाएगा, ठीक है, त्वरितापत्ति आपकी प्राप्त नहीं होगी। तो यहाँ पे आपका एक एग्जाम्पल दिया गया कि वसीयतकर्ता ने अपनी वसीयत में आ को जीवन हित अंतरित किया, ठीक है, जीवन हित मतलब जीवन का जो हित है उसको अंतरित किया, आ के मृत्यु के बाद बा को कुछ लाभांश दिए जाने की व्यवस्था की गई। आ ने वसीयती हित लेने से इनकार कर दिया और बा को हित तुरंत मिल जाएगा, उसे अब भी आ की मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं करनी होगी क्योंकि पूर्व हित विफल हो चुका है, यद्यपि विफलता का ढंग वसीयत के द्वारा ही निर्दिष्ट मार्ग नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट बताए गए। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे त्वरितापत्ति का सिद्धांत उन मामलों में लागू नहीं होगा जिनमें पक्षों का आशय स्पष्ट हो कि पश्चावर्ती अंतरण पूर्व अंतरण के ढंग के विशेष में विफल होने के परिवर्तनीय होगा अन्यथा नहीं। ऐसे मामलों में घटना का ढंग अधिक प्रमुख होता है और हित का परिवर्तन इसी पर आधारित रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें बताई गई। अगला आपका यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे धारा 28, धारा 28 आपका क्या कहता है कि धारा 28 कहता है कि परतर अंतरण का जो है
विनिर्दिष्ट आपका घटना के घटित होने या ना घटित होने पर जो है शर्त पर आश्रित होना होता है। इसमें आपका कहता है आपका अल्टीरियर ट्रांसफर आपका जो होता है, इसमें परतर अंतरण आपका जो होता है या फिर परतर व्ययन आपका जो होता है, दो शब्दों इस्तेमाल किए गए हैं। इसमें जो है धारा 28 में आपका परतर अंतरण जो आपका होता है या फिर दूसरा आपका जो है परतन व्ययन आपका जो होता है वह धारा 27, धारा 29 और धारा 30 में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, ऐसे दोनों अंतरणों का जो है अंतरण आपका केवल धारा 28 की व्यवस्था में हो सकते हैं, जिसे सशर्त मर्यादा कहा जाता है। ठीक है, धारा 28 एक ऐसे जो है हिस्से जुड़ी है जो एक व्यक्ति में निहित हो चुकी है और उसे छीन कर तुरंत किसी दूसरे के जो है निहित कर देती है। धारा 31 आपका ऐसे निहित हित को छीन कर पुनः अंतरणकर्ता में निहित है जो है कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया। अगला आपका यहाँ पे पॉइंट कि शर्त या मर्यादा आपका क्या होगा, कंडीशन एंड लिमिटेशन आपका क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम कि शर्तें या तो जो है पूर्ववर्ती होंगी धारा 25 में होंगी, ठीक है, या उत्तरवर्ती होंगी उसको धारा 31 में बताया गया है। ठीक है, या फिर जो है समरूपी की आपकी धारा होगी 28 में या फिर धारा 10 में जो है इस धारा में शून्य घोषित की गई होंगी। ठीक है, कि शर्तें जो है उत्तरवर्ती आपकी होंगी वो शामिल होंगी, परंतु उसका प्रभाव और अनुपालन अन्य उत्तरवर्ती शर्तों में से भिन्न होता है। ठीक है, विधि शास्त्र के सुदृढ़ उन सिद्धांतों के उन टक्कर में संभव है उन जिनसे जिनके अनुसार जो है संपत्ति के संचार पूर्व प्रवृत्ति का कोई अवरोध नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें बताई गई और यहीं पे चीज़ें और भी बताई गई कि यदि अवरोध अगर जो आपका जो है शर्त मर्यादा दोनों संभव होता है तो भी यहाँ पे चीज़ें होती हैं। अगला यहाँ पे पॉइंट आपको बताया गया कि मर्यादा या फिर लिमिटेशन आपका जो शब्द है इसको इंग्लिश विधि से लिया गया है, मतलब आंग्ल विधि शास्त्र में का शब्द है। ठीक है, तो यहीं पे आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा कि यह कहाँ का शब्द है। यहीं पे अगला पॉइंट, अंतरिति को जो है संपत्ति में कितना हिस्सा दिया गया है यह जानने के लिए अंतरण द्वारा अंतरिति का क्या अधिकार है, इसी को स्पष्ट करने वाले शब्द को मर्यादा कहा जाता है। मतलब आपको जो है यहाँ पे लिमिटेशन कहा जाता है कि कितना हिस्सा आपको मिल सकता है, कितना हिस्सा आपको दिया गया है। ठीक है, तो इसको मर्यादा कहा जाता है। मर्यादा के जो है द्वैतक शब्द आपके पुस्त दर पुस्त और आपका जो है उसके वारिसों जो है पीढ़ी दर पीढ़ी नस्लन बाद ठीक है आदि उत्तराधिकार के अधिकार स्पष्ट करते हैं, जिसका उद्देश्य जो है इस तथ्य को संकेत देना होता है कि अंतरिति के वारिसों का जो संपत्ति सीधे जाती है। ठीक है, आवश्यक यह है कि मर्यादा खुद की सीमा का अंतरण अतिक्रमण ना करे और धारा जो है 10 में जो है चिन्हित है कि पूर्ण प्रतिबंध ना लगाए। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे बताई जाती हैं। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे कि सशर्त परिसीमा आपकी जो होता है मतलब धारा 28 का आप आवश्यक तत्व क्या है इसको बताया गया। ठीक है, तो धारा 28 के आवश्यक आपके तत्व क्या हैं, तो नंबर एक पे आपका आवश्यक तत्व है अंतरण एवं परतर अंतरण। ठीक है, अंतरण एवं परतर अंतरण, इसमें हम देखते हैं कि सशर्त परिसीमाओं की स्थिति के लिए जो है आवश्यक है कि उसी जो है हित को पहले आ को दिया जाए और परिसीमाओं का सफलता और विफलता के अनुसार हित का अंतरण बा को किया जाए, दोनों अंतरण एक ही संव्यवहार के अंग होना चाहिए। ठीक है, परतर अंतरण के लिए जो यह आवश्यक है कि इसमें ऐसी शर्तें हों जो पूर्व निहित हित को छीन कर पुनः उसी हित को अगले अंतरिति में निहित कर देती हैं। ठीक है, शर्त ऐसी ही होती है परंतु इसका असर दोबारा जो है होता है। ठीक है, दोहरा होता है, सॉरी यहाँ पे आपका दोहरा होता है। ठीक है, मतलब दो इसके अर्थ होते हैं। ठीक है, और पूर्व हित के लिए यहाँ पे जो सब प्रत्यावर्ती जो आपकी शर्त जो होती है वो आपके पश्चात हित के जो है लिए पूर्ववर्ती शर्त होगी। ठीक है, और संपूर्ण संव्यवहार को शर्त मर्यादा भी कहते हैं। ठीक है, संपूर्ण संव्यवहार को सशर्त मर्यादा भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आवश्यक तत्व तो ये आपका जो है इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतना भी आपका ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से जो है एमसीक्यू को बनने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे शर्त की स्थिति आपकी क्या होती है, कंडीशन क्या होती है, पूर्ववर्ती अंतरण पर जो है पश्चावर्ती शर्त की स्थिति सशर्त परिसीमा के मामले में भी है
और धारा 28 के अंतरण या आवश्यक की शर्त अंतरण के साथ ही लागू हो और अंतरणकर्ता एक ही भाग में हो, ठीक है। अंतरण के बाद कोई शर्त नहीं लगाई जा सकती और पृथक दस्तावेज द्वारा लगाई गई शर्त अवैध होगी यदि अंतरण एवं शर्त एक दस्तावेज में ना हो परंतु उसी दिन जो है दोनों का करार एक साथ किया गया है तो वहाँ पे माना जाएगा और दोनों ही समव्यवहार के हिस्से होंगे, ठीक है। तो ये आपका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी आवश्यक तत्व तो नहीं है, लेकिन हाँ कोर्स में आपके सिलेबस में है तो एक बार आपको देखना और पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे, शर्तें चाहे सकारात्मक हो या फिर आपकी नकारात्मक हो, तो यहाँ पे देखते हैं कि सशर्त आपकी परिसीमा के मामले में दोनों प्रकार की शर्त संभव है, चाहे वह सकारात्मक आपकी शर्त हो चाहे वह आपकी नकारात्मक शर्त हो, ठीक है। अगला आपके यहाँ पे पॉइंट, सशर्त परिसीमा की सफलता या फिर विफलता, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कोई भी चीज़ अगर जो सकारात्मक होगी तो नकारात्मक होगी, अगर जो सफल होगी तो विफल भी होगी। तो यहाँ पे बताया गया है कि अंतरणकर्ता के लिए अपना उद्देश्य स्पष्ट कर देना अनिवार्य होता है, ठीक है, या फिर अनिवार्य है। ऐसे स्थिति अभाव में सशक्त परिस्थितियां भी पर्याप्त होंगी, परंतु अंतरण को अंतरिति स्पष्ट निश्चित एवं अभी अभिगेय होना चाहिए, ठीक है। और अगला यहाँ पे पॉइंट, सशर्त परिसीमाएं चाहे सकारात्मक हो या फिर नकारात्मक, परंतु प्रत्येक अवस्था में उन्हें किसी उल्लेखित अनिश्चित घटना पर जो है आश्रित होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें बताई गई। अगला आपको पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें बताई गई हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सशर्त परिसीमा सिद्धांत के अपवाद आपके क्या क्या होते हैं। निम्नलिखित परिस्थितियों में जो है सशर्त सीमा के अपवाद जो है लागू नहीं होते हैं, किसमें लागू नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए आप, धारा 10 में वर्णित शर्तों के स्थिति में सशर्त परिसीमा का सिद्धांत लागू नहीं होगा। तो यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे बनेगा। दूसरा आपका क्वेश्चन, धारा 28 का सिद्धांत तभी लागू होगा जब शर्तें आपकी वैध हों और धारा 10 के प्रतिकूल शर्तें शून्य होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप दूसरा एमसीक्यू आपका, और उनमें परतर अंतरण का प्रश्न ही नहीं उठता, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें बताई गई। और धारा 12 में शर्त शून्य शर्तों को एक चर्चा की गई है जिसमें जिसके अनुसार प्रातित अंतरण या फिर परिवेश या दिवालिया हो जाने पर जो है संपहारी शर्तें के मामले में दिए गए हैं, इनमें धारा 28 लागू नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाएगा। अगला आपका पॉइंट, धारा 21 से 27 तक सिद्धांत की स्थिति में यह सिद्धांत नहीं लागू होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहा है कि कहाँ पे ये सिद्धांत लागू नहीं होंगे। और यहाँ पे चर्चा की गई है कि धारा 42 एवं आपका जो है धारा 42 एवं 23 में जो है वर्ग का अंतरण जो आपका होगा, ठीक है, और धारा 25 में पूर्ववर्ती शर्त है और धारा 27 में त्वरिताप्ति का सिद्धांत दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ पे कौन से सिद्धांत दिया गया उसको बताया गया है, कौन सी धारा में क्या दिया गया उसको भी यहाँ पे डिटेलिंग की गई है। इन मामलों में जो है पर सशर्त जो है परिसीमा या फिर धारा 28 लागू नहीं होती। सशर्त परिसीमाएं अदालतों की देन है, किसी शर्त को पर सशर्त परिसीमा माना जाएगा या नहीं यह जो है न्यायालयों की व्याख्या पर निर्भर करता है कि यहाँ पे जो है सशर्त कोई शर्त होगा तो उसको सशर्त परिसीमा में माना जाएगा या नहीं माना जाएगा यह आपका कोर्ट डिसाइड करता है। अगला यहाँ पे पॉइंट आपका है धारा 29, आपका क्या कहता है, उत्तर भावी शर्तें की पूर्ति, फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशनल सबसिक्वेंट, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया कि पूर्वगामी अंतिम धारा द्वारा अनुध्यात्त किस्म का परितर व्ययन प्रभावी नहीं हो सकता जब तक कि शर्तें पूर्त यथावत नहीं की जाती हों, ठीक है। और यहीं पे कुछ चीज़ें और बताई गई कि अचरसा अनुपालन आपका धारा 23-29 में बताया गया है किसे कहते हैं, ठीक है। विधि या फिर कानून आपका किसी हित के शीघ्र निहित मतलब लाइक्स वेस्टिंग आपका जो है होने में सहायक होती है और तथा किसी संप्रहरण आपका जो की घटना को हतोत्साहित करती है। यही कारण है कि पूर्ववर्ती शर्तों के सारता अनुपालन ही पर्यांत आपके ताकि पर्यांत है ताकि अंतरित जो है आपकी जो है हित तो शीघ्र ही अंतरिति में निहित हो सके और उत्तरवर्ती शर्तों में यथावत असरता आपका जो है अनुपालन अनिवार्य कहा गया है, ठीक है, ताकि निहित हित का संप हरण आपका जो है हो सके, ठीक है, ना हो सके, ठीक है। यहाँ पे
आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका यहाँ पे क्वेश्चन पॉइंट, यहाँ पे यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उत्तर भावी शर्त आपका जो है अनुपालन हो जाने के बाद, भंग हो जाने के बाद भी अपन निष्प्रभावी हो जाता है, ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई, ठीक है। तो यहाँ पे अगला पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। आपका अगला पॉइंट क्या है कि उत्तरवर्ती शर्तों के अपवाद, इसमें देखते हैं कि कौन कौन से आपके अपवाद होते हैं। उत्तरवर्ती शर्त के आपके निम्न अपवाद होते हैं जिनमें आपको अनुपालन आवश्यक नहीं होगा, जैसे आपका धारा 10, जब उत्तरवर्ती शर्त के हित के हस्तांतरण आपका पूर्व अवरोध रखती है, तब वहाँ पे अपवाद आपका हो जाएगा। दूसरा धारा 12 आपका, जब उत्तरवर्ती शर्त अंतर्ति के दिवालिया हो जाने के पर भी हित के संपहरण आपका नहीं होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। परवेज, अंग्रेजी विधि में तकनीक अर्थों के सब लिया आपका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाएगा। और दूसरा आपका वसीयत के अंतरण भूमि पाने या फिर बंदोबस्त में भूमि पाना परचेज कहा जाता है, ठीक है, तो ये भी आपका हो जाएगा अगला आपका पॉइंट, ठीक है। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर और अपना अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। थैंक यू।